नमस्कार एवरीवन, हर हर महादेव एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज चलिए आपको लेके चलते हैं बैंगलोर के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में, जो कि येलो रंग का यानी महादेवपुरा साइड बैंगलोर का एक जो लोकेशन है वहाँ पे लोकेटेड है। तो मेरा कुछ प्लान था नहीं जाने का, मुझे काफ़ी दिनों से सोच तो रही थी, बट ऑल ऑफ सडन वाला ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब मेरा खुद का ही मूड बन जाएगा कि चलो चलते हैं। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मैं दिन में 1 बजे निकली और मॉल जो है मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर था। मुझे जाना तो था ही, बट जब डिसाइड कर लिया था तो मैंने कहा चलो अब निकल गए हैं तो निकल ही गए। और ट्रैफिक मिल गया मुझे रास्ते में, बैंगलोर में ट्रैफिक इज़ वेरी कॉमन, आपको पता ही है। तो ट्रैफिक में मैं 2 घंटे फंसी रही और यही चीज़ बहुत बुरी हुई मेरे साथ। और मैं पहुँची वहाँ पे 4 बजे, तो घूमने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं फटाफट से घूमी और फिर घर पे वापस आ गई, क्योंकि मैं अकेले गई थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा इस बार मेरे साथ नहीं गए थे। एनीवे मैं समहाउ पहुंच गई मॉल, और ये मॉल जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही लग्जरियस है, बहुत अच्छी फीलिंग आई मुझे देख के। मॉल तो मैंने बहुत सारे देख रखे थे, बट ये कहते हैं ना कि एक रॉयल एक स्टैंडर्ड जो होता है, इस मॉल को देख के मुझे वो चीज़ लगी, क्लासी सा फील आया मुझे। तो ये मॉल जो है ओवरऑल मैं बता दूँ आपको तो 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का इसका एरिया है अप्रॉक्स। 1700 पार्किंग है नियर बाय, या अप्रॉक्स 1700 पार्किंग है, प्लस 300 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं वहाँ पे, कुछ आ चुके हैं और कुछ बाकी भी हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ एरिया इसके जहाँ पे अलाउ नहीं है जाना। तो ये थी डिटेल, बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। मॉल में पहुंची और आप यहाँ से देखिए इसका व्यू, एक एक चीज़, एक एक लाइटनिंग, एक एक कलर टेक्सचर जो है, कलर कॉम्बिनेशन, वॉशरूम, मतलब एवरीथिंग वाज सो क्लासी, सो लग्जरियस, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ब्रांड्स भी मतलब इतने सारे थे कि मतलब कुछ कुछ ब्रांड्स मुझे भी नहीं पता थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे और बहुत अच्छे लगे मुझे उनके आउटलेट्स, उनके स्टॉप्स वगैरह, मैंने कुछ शॉपिंग भी की। एंड तो मैं जितना घूम सकती थी उतना घूमा मैंने, बट स्टिल आई हैव अ डाउट कि मैं पूरा नहीं घूम पाई हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। किसी दिन मैं जाऊँगी, हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, क्योंकि पता है वहाँ पे आप बच्चों के भी साथ जाओ तो वहाँ पे फन जोन है, इतना बड़ा है, मतलब एडल्ट्स के लिए भी है प्लस बच्चों के लिए भी है, आप पूरी फैमिली के साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं वहाँ पे। फूड कोर्ट बहुत बड़ा है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका पूरा एक दिन लग जाएगा वहाँ पे अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो उस मॉल को तो। और अभी क्रिसमस का भी टाइम है तो बहुत बड़ा सा वहाँ पे क्रिसमस ट्री उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ लाइव शो वगैरह हो रहे हैं, जिसके पासेस वगैरह अलग से मिलते हैं वहाँ पे जो शोज़ हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप जाइए ज़रूर यहाँ पे, अगर आप बैंगलोर में हैं और अभी तक वहाँ नहीं गए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, और अगर बैंगलोर में नहीं हैं तो आप जब भी बैंगलोर आइएगा तो आप ज़रूर जाइएगा फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया बैंगलोर का, ज़रूर घूमिएगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।